दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे यहाँ पे रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि अप्रेंटिस के लिए है और दिनांक 14/12/2023 तक यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। और आप ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि और समय की बात करें तो यहाँ पे 14/1/2024 तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। और इसका लिंक भी दोस्तों आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख पाएंगे। और नोटिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पे जो स्लॉट है पोस्ट की और ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे 3,015 स्लॉट जारी किए गए हैं और ऑनलाइन उम्मीदवारों से आवेदन बुलाए जा रहे हैं जिसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। उम्मीदवारों को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिम मध्य रेलवे मंडलों इकाइयों के लिए अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए एकीकृत सूचना है। प्रशिक्षुओं को योग्यता के आधार पर मंडल इकाइयों में नियुक्त किया जाएगा। अनुलग्नक क्रमांक है दोस्तों ये, और ट्रेडों प्रशिक्षुओं के लिए नियुक्त किया जाएगा जो स्लॉटों में दिए गए नियम जो है इकाई है यहाँ पे, जैसे कि जबलपुर मंडल के लिए, भोपाल मंडल के लिए, कोटा मंडल सडीपुरा भोपाल और माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा और मुख्यालय जबलपुर के अंतर्गत यहाँ पे टोटल बात करें तो आप लोग देख पाएंगे 3,015 जो स्लॉट है नियुक्ति के लिए जारी किए गए हैं। और एज जो रखी गई है उम्र तो आप लोग देख पाएंगे 14/12/2023 तक यहाँ पे 15 साल से लेके 24 साल के बीच में होनी चाहिए। आगे यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे छूट जो दी गई है 5 वर्ष और 3 वर्ष दी गई है। पंच मार्ग के विकलांगता वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 15 वर्ष के लिए छूट दी गई है और 10 वर्ष के लिए छूट दी गई है। आगे यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है भूतपूर्व सैनिकों के लिए तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पे देख पाते और शर्तें जो रखी गई हैं कि उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से इस संकुल से 50% मार्क्स साथ में 10वीं कक्षा एनसीबीटी और एससीबीटी द्वारा जारी अधिसूचित ट्रेड ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो प्रशिक्षु के लिए नियुक्त है तो बेंच मार्क विकलांगता के लिए पात्रता दी गई है तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे 40% यहाँ पे विकलांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो दिया गया है इसका नोटिफिकेशन भी दोस्तों आपको इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी www.inc.in.com। और यहाँ पे इस वाले लिंक में क्लिक करेंगे मोबाइल में आपको यहाँ पे दोस्तों स्क्रोल डाउन करने के बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये रेलवे वाली वैकेंसी के अंतर्गत दिख जाएगा। और यदि आप लैपटॉप में खोलेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट वाले में भी आपको मिल सकता है, या तो आप ये रेलवे वैकेंसी वाले अपडेट नोटिफिकेशन में भी क्लिक करके डायरेक्ट इस वाले लिंक में क्लिक करेंगे। एक लिंक भोपाल के लिए और एक ये जबलपुर के लिए, दोस्तों दोनों लिंक में अलग अलग जानकारी दी गई है तो आप लोग इसमें जा करके देख पाएंगे। और इसकी जो लिंक है www.inc.in.com है, इस लिंक में क्लिक करना है, गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा नीचे, और आप लोगों को मैं दिखा दूंगा दोस्तों। आगे दोस्तों देख पाएंगे यहाँ पे लोकोमोटर विकलांगता के लिए जो LD दी गई है तो यहाँ पे इस तरह से पोस्ट है जो ट्रेड है बढ़ई कारपेंटर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग सहायक के लिए है और इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिक मैकेनिक के फिटर है और पेंटर सामान है इत्यादि के लिए दोस्तों इस तरह से जो यहाँ पे विकलांगता का प्रकार है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है तो आप लोग देख पाएंगे। और इसका PDF दोस्तों जैसा कि आपको पहले बताया है इस वाली वेबसाइट में जाएंगे www.inc.in.com गूगल में सर्च करेंगे या तो आपके क्रोम में सर्च करेंगे दोस्तों www.inc.in.com तो आपको इसका होम पेज मिल जाएगा। और वहाँ पे जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाला लिंक है पेज, उसमें क्लिक करेंगे तो इसका PDF और अप्लाई करने का ऑप्शन दोनों आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो श्रवणबाधित रहेंगे उनके लिए बताया है और यहाँ पे दृष्टिबाधित के लिए जो बताया है जैसे कि लोहार कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग सहायक इलेक्ट्रिशियन फिटर रिसेप्शनिस्ट इत्यादि के लिए यहाँ पे पोस्ट बताया गया है। आगे नीचे यहाँ पे आएंगे तो बहुदिव्यांगता के लिए दोस्तों यहाँ पे जो बताया गया है पोस्ट ये देख पाएंगे इस तरह से है। और चयन का जो तरीका रखा गया है जो है वो अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले सभी पात्र उम्मीदवारों के संबंध में तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। मेरिट सूची 10वीं कक्षा की परीक्षा या उसके समकक्ष में 10+2 प्रणाली के अंतर्गत यहाँ पे रहने वाली है। नीचे दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे जो आवेदन शुल्क है, आवेदन कैसे करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे आवेदन का जो शुल्क रखा गया है तो ₹136 मात्र रखा गया है। तो यहाँ पे सभी के लिए ₹136 है। और जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति और बेंच मार्क विकलांग वाले कैंडिडेट हैं PWD महिलाएं के लिए तो यहाँ पे केवल ₹36 प्रोसेसिंग फीस रखा गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग देख पाएंगे। और पेमेंट का कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे इसके लिए इसका जो ऑफिशियल पेज है इसका लिंक, आवेदन करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल पेज में जाना रहेगा। उसके अलावा आप जैसे पहले बताया हूँ इस वाली वेबसाइट में जाके
लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे जो रेलवे रिक्रूटमेंट वाला पेज है, लिंक है दोस्तों, मोबाइल में थोड़ा से अलग दिखेगा और लैपटॉप में अलग दिखेगा। तो यदि मोबाइल में खोल रहे हैं तो वहाँ से आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग अप्लाई कर पाएंगे और सारा अपडेट जो है ये दिया गया है, ये आपको यहाँ से डाउनलोड करके देख लेना है और कैसे अप्लाई करना है वो सारी जानकारी इसके अंतर्गत मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।